ज्वाइनिंग ऑफ वेरियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। असाइनमेंट मॉड्यूल 2 क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। सेवंथ ई आ जाइए बेटा, दिवांश, दिवांश इज देयर, सेवंथ ई आ जाओ बेटा, असाइनमेंट लेके आओ। एरो वन रिप्रेजेंट्स, क्या है आंसर? सेवंथ ई आंसर बताओ बेटा। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एरो ए जो है वो क्या दिखा रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, वेरी गुड। सेवंथ एफ में आ जाइए बेटा, आकाश, है। आकाश बेटा असाइनमेंट लेकर आओ। क्वेश्चन नंबर 5, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, हाँ एरो 3, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 3 ही है, यस इट इज, बिल्कुल ठीक, एरो 3, वेरी गुड। बैठो बेटा। सेवंथ जी बेटा, अपना बेटा माइक ऑन करो, माइक ऑन करो बच्चे। सेवंथ जी कंप्यूटर से माइक ऑन करो बेटा, म्यूट हो आप। हाँ जी सर, सेवा थोड़ी सेवा करो। सेवंथ जी क्वेश्चन आ जाइए बेटा, क्वेश्चन सैम चौधरी, चाहिए सैम सैम बेटा। बेटा, आपका स्पीकर स्पीकर जो है माइक जो है के पास मार्क पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, सा दूर थोड़ा सा लेके दूर जाओ लेके सावन जाओ जी। सावन जी। ठीक है, हाँ अब ठीक है बेटा। सेवंथ जी, थोड़ा जी सा बेटा थोड़ा माइक, सा बेटा माइक स्पीकर माइक दूर लेके स्पीकर जाओ। लेके जाओ। सेवंथ जी, सेवंथ जी क्वेश्चन 6, क्वेश्चन से क्या सैम बताओ आंसर। बताओ आप। ऑक्सीजन। यस यस ठीक है, ठीक ठीक है है। बेटा, अपना ना बेटा अपना माइक ना लेके माइक दूर, स्पीकर लेके स्पीकर से दूर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ ए, आर्यन, आर्यन एब्सेंट है, देन दूर। रमिंदर जीत, आई होप रमिंदर जीत सेवंथ है। क्वेश्चन नंबर 7, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल कौन सा आएगा? जोर से बोलो बेटा, किसी का नहीं सुनना है बेटा, अपने आप बोलना है सिमरनजीत। मैम लास्ट लास्ट है, क्या है लास्ट बोलो बड़ा। मैम टू अब्सॉर्ब सनलाइट। बिल्कुल बात ठीक है, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा। सेवंथ बी ऐश्वर्या, सेवंथ बी ऐश्वर्या बेटा भागकर असाइनमेंट साथ लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, द व्हाट विल हैपन इफ द स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टोमेटा बेटा लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से गैसेस अंदर बाहर मूव कर सकती है, राइट? अब बताइए, बेटा देखो मैं दोबारा से बता रही हूं कि जो लीव्स है ना बच्चे, ध्यान से सुनना है कि लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन, ऑक्सीजन कम्स आउट,
दीज आर स्टोमेटा, है ना। और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें ऐसे दिखेंगे, दो राजमा के जैसे दाने होते हैं ना, आपस में जुड़ जाएं तो ऐसे दिखेंगे। नाउ टेल मी कि अगर ये स्टोमेटा बंद हो जाए, ये इसके अंदर छेद है जिसके अंदर से वो गैसेस अंदर बाहर जाती है, अगर ये बंद हो जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर क्या होगा? ऐश्वर्या सोच के बताओ बेटा। यस ऐश्वर्या गई कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रही। हाँ हाँ जी, एनीबडी? हाँ क्या आएगा बेटा, जोर से बोल बेटा, जोर से, जैसे भागते हुए बोलते हो ना तब वैसे बोलो। हाँ बी की सी, मुझे नहीं पता चला ऐश्वर्या, क्या फोटोसिंथेसिस कम होगी कि बढ़ेगी? क्या स्टोमेटा जब बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी कि नहीं? मैम इनकी आवाज नहीं आ रही, देखना माइक ऑन है क्या? आंसर बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट, सेवन थी मैम की तो आवाज आ गई, बेटा सेवन्थ बी आपकी नहीं आ रही। बच्चे क्या आप धीरे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? चलिए आप बैठो बेटा, मैम किसी और स्टूडेंट को भेजो सेवन्थ बी में से। हाँ जी बेटा बोलो। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस डिक्रीजेस एज लेस सीओ टू एंटर्स इन द प्लांट, ठीक है ये? यस ओके बैठो बेटा। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाती है, इसलिए जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो सीओ टू अंदर नहीं जाएगी। सो आंसर डी इज करेक्ट। यस क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सेवंथ डी, सेवंथ डी में बेटा गुरकीरत, गुरकीरत इज देयर। यस बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एक बाय यूजिंग रिजर्व फूड, बिल्कुल बात ठीक है। अगर बेटा जैसे आप देखते हो कि सर्दियों में, बैठो बेटा गुरकीरत, वेरी गुड, सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं, या तो गोट ने खा लिए या पत्ते झड़ गए, देन फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। देन हाउ डू प्लांट टेक्स द फूड, हाउ डू द प्लांट्स टेक द एनर्जी, दैट इज बाय यूजिंग रिजर्व फूड। प्लांट्स जो है ग्लूकोज बनाता है और साथ में जमा, जैसे हम इंडियंस करते हैं बेटा, अगर हमारे हर महीने जितने पैसे आते हैं उसमें से हम कुछ अमाउंट जमा करते रहते हैं और कुछ हम अपना यूज कर लेते हैं। तो कभी ड्राई डेज हो, ड्राई डेज मीन्स कभी कोविड आ गया, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई कि हमारी इनकम नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी यूज द रिजर्व मनी। इसी तरह से प्लांट्स के पास भी रिजर्व फूड होता है, जब उसके ड्राई डेज है, कोई पत्ते खा गए, कोई आंधी में झड़ गए, कोई सर्दियां आ गई पत्ते झड़ गए, देन प्लांट्स, हाउ डू द प्लांट्स सर्वाइव, बाय यूजिंग द रिजर्व फूड। वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट सेवंथ ई, सेवंथ ई जी, अनमोल, अनमोल कौशल आ जा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। प्लांट्स आर द, मुझे आपने बताना कि ट्रू है कि फॉल्स है, प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू है बेटा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है सम एनिमल्स आर प्रोड्यूसर्स एंड सम आर कंज्यूमर्स, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी बेटा? मैं ए इज द नॉट करेक्ट आंसर फॉर आंसर हम कहते हैं असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगी। ठीक है ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी,
assertion is correct, but reason is not correct. Option C is the right answer. Next, aa jaiye beta. Seventh F, Banisha. Seventh F, Banisha. Question number 11. Plants having purple leaves do not perform photosynthesis. True ki false? False. False hai, kyunki chahe purple leaves hai, chahe green leaves hai, they perform photosynthesis, right? Some animal, purple leaves have both chlorophyll and purple pigment. This is correct ki incorrect? Correct. Correct. To hum kahenge assertion ki statement beta theek hai, reason ki statement galat hai. Last page pe option di hui hai, mujhe batao कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी इसमें से, ए बी सी डी. देखो रीजन असर्शन की ऑप्शंस दी हुई है लास्ट पेज पे, तो इसका ए बी सी डी क्या करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में? हमने क्या कहा है कि असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी एवरीबॉडी? देखो बेटा आपको ऑप्शंस मिल गई है कि नहीं? यस और नो, जिसको ऑप्शंस मिल गई है वो हैंड रेज करें. रीजन असर्शन की बेटा लास्ट में देखो ऑप्शंस है, लास्ट पेज पे सेवंथ पेज पे ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, उसकी चार ऑप्शंस दी हुई है. सेवंथ एफ मिल गई बेटा आपको? पेज नंबर सेवन. मैम देर इज नो पेज नंबर सेवन. मैं एक मिनट, देर इज नो सेवन पेज नंबर सेवन. एक मिनट मैं देखती हूँ बेटा. एक फिर सिक्स पेज पे देख लो, जो भी आपका लास्ट पेज है बेटा, जो भी आपका लास्ट पेज है. टेक योर सिक्स्थ पेज नंबर, 25th क्वेश्चन इज देयर. मिल गई सबको 25th क्वेश्चन? मिल गए कि नहीं? उससे ऊपर रीजन असर्शंस दिए हुए हैं. मिल गई है ऑप्शंस के नहीं? मैम ऑप्शंस आर नॉट गिवन. अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? चलो लिख लो मैं आपको बता देती हूँ. ऑप्शन ए है बोथ assertion and reason are correct and reason explains assertion. A मतलब assertion, उसको explain कर रहा है. B है both A and R are correct, but R does not explain. उसकी explanation नहीं है, statement ठीक है. C है assertion correct, reason false, उसकी statement ही गलत है. फिर assertion की statement गलत है, reason की statement ठीक है. हाँ जी अनमोल बेटा, अनमोल इज देयर सेवंथ ई है ना? अब मुझे बताओ बेटा, आपने बता दिया था मुझे, अब कौन सी ऑप्शन होगी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर इलेवंथ की? टेंथ और इलेवंथ? इलेवंथ बेटा. सी बेटा देखो, प्लांट्स हैविंग पर्पल लीव्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये गलत है कि ठीक है? सही है बेटा, रॉन्ग है बच्चे ये, क्योंकि जिसके पर्पल लीव्स और रेड लीव्स और फोटोसिंथेसिस तो होते ही होती है, ठीक है?
और उसके बाद रीजन है पर्पल लीव्स है बोथ क्लोरोफिल एंड पर्पल पिगमेंट, ये भी ठीक है, ये ठीक है. मतलब असर्शन की स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11th में बेटा, असर्शन की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट ठीक है. तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी बेटा? डी. डी ऑप्शन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. बैठो बैठो बेटा, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन डी. 7th F, हाँ जी 7th F में बच्चे वंशिका, वंशिका आपने असाइनमेंट लेके आओ. क्वेश्चन नंबर 12th, मैम यस. क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बताओ बेटा. मैम सी. सी बिल्कुल ठीक है. जो भी ये लिखा हुआ है, द प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर फूड. वेरी गुड. बैठो बेटा वंशिका बैठो. चलिए जी 7th G में कोई मुझे बताएगा बेटा. 7th G, यस सृष्टि. 7th G सृष्टि. सृष्टि इज देयर? हाँ जी सृष्टि. क्वेश्चन नंबर 13A, हमने कहा इन ए शैलो पॉन्ड बबल्स ऑफ गैस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन हाइड्रिला और एल्गी इज ग्रोइंग, है ना, जिसमें हाइड्रिला एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा है. दिस शोज दिन के टाइम पे वहां पे बबल्स आ रहे हैं. तो बेटा वो जो बबल्स है वो किस गैस के होंगे बच्चे? हाइड्रोजन. बेटा हाइड्रोजन कैसे दिन के बबल्स कब आते हैं बेटा? आपने देखा है, जब आपने ध्यान से देखो, आपकी साइकिल पंचर अगर होती है तो मैकेनिक या जो भी साइकिल रिपेयर वाला करता क्या है, ट्यूब में हवा भरता है और उसको पानी में डालता है. जहां से गैस लीक हो रही होती है वहां से बबल्स आ जाते हैं. तो अगर पानी में बबल्स है तो गैस लिब्रेशन के बबल्स होंगे. कौन सी गैस लिब्रेट हो रही है प्लांट्स में बेटा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान से बेटा. नाइट्रोजन. हाँ बेटा फोटोसिंथेसिस की क्या है मुझे बताओ कि? मैम ऑक्सीजन. हाँ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? इट इज बोलो जरा. CO2 प्लस वाटर वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस क्या आएगा यहाँ पे? ग्लूकोज. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वेरी गुड. बैठो बेटा. सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. CO2 अंदर जा रही है, बाहर बबल्स किसके होंगे? जो बाहर आ रही है. और बाहर क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है. तो दिन के टाइम पे जहां एक्वेटिक मतलब पॉन्ड में लेक में अगर कहीं पे बबल्स आ रहे हैं तो जरूर नीचे कोई ना कोई प्लांट ग्रो कर रहा है. राइट नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 7th A. मनराज जल्दी से आ जा बेटा. अगर यहां पे आपने ये बताना है बेटा कि अगर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज है तो बबल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे बेटा? मुझे ही बताओ पहले ये. इंक्रीज. वेरी गुड. तो हम क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ बबल्स विल इंक्रीज इफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल्स विल डिक्रीज इफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. इज इट ओके? दोनों में या तो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा. इज इट ओके मनराज? यस. ठीक है बेटा बैठो. वेरी गुड. अब ये डायग्राम नहीं दिया हुआ 16th का, है ना, यहां से थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ. ये बेटा ये लीफ है, लीफ का ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट इस हमने पॉट में डाल दिया जिसमें क्या प्रेजेंट है? KOH. ध्यान से मेरी बात सुननी है. जो KOH है ना बेटा,
वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब इस पॉट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लिख सकते हो KOH का फुल फॉर्म क्या है, राइट डाउन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो KOH। इट एब्जॉर्ब्स, यहां पे ये भी लिख लो KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा हुआ है वैसे, राइट। सो सेवंथ बी जुगराज, आजा बेटा, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है कि KOH फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस या जो भी है। इसने क्या कहा, देखो, हाँ जोर से, बी ऑप्शन, बीटा, बीटा के डेल्टा, बी ऑप्शन बेटा, बॉम्बे के दिल्ली, दिल्ली नहीं है बेटा। देखो इन, आपने बोला, देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ KOH प्लांट्स कैन नॉट यूज CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय देम। इसका मतलब है कि प्लांट्स ने CO2 एब्जॉर्ब तो कर ली बट यूज नहीं कर सकता। नहीं बेटा, इधर क्या है, बैठो बेटा, इधर क्या है, KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर ली जिसके कारण लीफ को KOH सॉरी CO2 मिली ही नहीं, और अगर लीफ को CO2 नहीं मिलती देन प्लांट्स कैन नॉट या लीफ कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इससे पता चलता है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना है, पार्ट ऑफ लीफ डिप्ड इन KOH शोज नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, दूसरा हम एक, हमें ये पता है कि KOH एब्जॉर्ब्स CO2। इसका मतलब इस बीकर में जो ये बंद है जहां पे KOH पड़ा हुआ है, यहां पे लीफ को, लीफ जो है गेटिंग वॉटर, वॉटर तो मिल रहा है फ्रॉम रूट्स, रूट्स को तो कुछ नहीं हुआ, यहां से लाइट भी आ रही है, गेटिंग लाइट, बट क्या नहीं मिल रहा, बट नो CO2, क्योंकि सारी की सारी CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली है। दिस शोज दैट इन द एब्सेंस ऑफ CO2 दिस पार्ट ऑफ द लीफ इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया है वो ये है, ये वाला बेटा। तो अब कोई ऐसा बच्चा, रेज योर हैंड जिसको आता है ये, कोई स्टूडेंट, मैम, कोई बच्चा देखो भी, अगर किसी को एक बच्चे को आता है सेवंथ एफ में से, वेरी गुड बेटा, बोलो। पार्ट आंसर इज 45 डिग्री। फर्स्ट आंसर आपने कहा है 45 डिग्री। नो मैम, थर्ड आंसर इज 45 डिग्री। थर्ड आंसर इज 45 डिग्री, और फर्स्ट आंसर इज 190 डिग्री। 190 डिग्री, और सेकंड आप कर सकते हैं। लेट्स सी बेटा, लेट्स सी, क्या नाम है बेटा आपका? नवकरण सिंह। नवकरण सिंह फ्रॉम सेवंथ एफ, वेरी गुड बेटा, आपने कोशिश की, बस देखती हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी क्वेश्चन यही बनाया है, लेट्स सी कि हम कैसे करते। देखो जरा,
70%. परसेंट का क्या मतलब है बेटा, बहुत ध्यान से आपने देखना है कि 70/100 परसेंटेज खत्म हुआ और 360 का कितना पार्ट 70% है। इस जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये कट गई, तो कितना आ गया? हाँ जी कितना आया बेटा? मैम 252 डिग्री। बिल्कुल ठीक है साक्षी, 42, 2, 4 सात 21 और 4 25, इट इज 252। बी बताइए। 72 डिग्री। हम ये देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट एक बार चेक जरूर हम कर लें। बी में है 20%, 20/100, और कितने में से? 360 में से, इससे ये, इससे ये, 6 2s are 12, 1 3 2s are 6 और 1 7, 72। ठीक है, और थर्ड आ गया 10/100, 36 डिग्री। यस इट इज 36 डिग्री। बैठो बेटा, किसने आंसर बताया बेटा, नाम बताओ क्या है? मैम रक्षित। रक्षित, 7th E में से, वेरी गुड रक्षित, वेरी गुड, एवरीबडी शुड क्लैप फॉर रक्षित, वेरी गुड रक्षित। ठीक है, सो दिस इज द बायोलॉजिकल थिंग्स विच कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। बेटा जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैथ्स भी यूज करेंगे, ये याद, कुछ भी कर लें मैथ से पीछा हमारा नहीं छूटेगा। ठीक है जी, इसलिए मैथ से डरना नहीं है, राइट? मैथ्स को अपना फ्रेंड बनाओ, एवरी अदर सब्जेक्ट विल बिकम योर फ्रेंड। तो अब मैं लास्ट चीजें, सेवंथ ए बेटा, थोड़ा सा माइक ऑफ करो बेटा, थोड़ा सा वो खुद कर ले। चलिए जी, अब मैं जो है लास्ट चीज जो है मैं आपको समझाने लगी, समझाना क्या आपको पता है, बट एक बार मैं इस चीज को, कि लीफ है, लीफ और यू कैन से लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिस इज लीफ। लीफ में बेटा अगर हम इसकी थिन सी स्लाइस काटें, जैसे हम कुकम्बर खीरे का काटते हैं, थिन सी काटते हैं, तो उसके अंदर का हमें सब कुछ नजर आ जाता है, बाहर से तो नजर नहीं ना आता। इसी तरह लीफ की थिन स्लाइस काट के अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें इस तरह का नजर आता है। ये बीच वाला पोर्शन क्या है? ये वाला है, ये जो थिक है वो ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां पे बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सेल्स है, लीफ के सेल्स है, ग्रीन सेल्स है। इन सेल्स के अंदर, मैं अभी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूं, इन सेल्स के अंदर, दिस इज लीफ सेल, और इस लीफ सेल में क्या प्रेजेंट है? हैज क्लोरोफिल। यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इस क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है बेटा? मेन आपको क्या याद करना है बेटा, इस क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? दैट इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। ठीक है, लीव्स के सरफेस पे यहां पे ये स्टोमेटा पड़े हुए हैं, इधर नजर आएंगे आपको स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटा। स्टोमेटा यू कैन से एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स तो नहीं हम, बट चलो एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल
एब्जॉर्ब सनलाइट, अगर क्लोरोफिल ना हो तो लाइट कोई नहीं एब्जॉर्ब कर सकता. स्टोमेटा एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर क्या चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, इसके अंदर क्या चली गई, लाइट एनर्जी चली गई. और स्टेम में से रूट ने वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए और स्टेम के थ्रू लीव्स में पहुंच गए वाटर एंड मिनरल्स. और इन सब ने मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोस. और क्या लिबरेट वेस्ट प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट. देखो प्लांट्स के लिए वेस्ट हो गया, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए सर्वाइवल वैल्यू है. इज इट ओके? सो दिस इज यू नो द ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट. इज इट ओके? इन सम प्लांट्स द लीव्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट द स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. कैन यू नेम दैट प्लांट? कौन से प्लांट्स है जिसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ नहीं? कैक्टस बेटा. यस, अभी आ रहा था सेवंथ ए में से स्टूडेंट, बट चलिए मैंने बता दिया. सो इट इज द कैक्टस. कैक्ट इन सम प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, द स्टेम इज ग्रीन इन कलर, द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, सो देयर स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सेवंथ ए बेटा, बस 2 मिनट, गर्ल्स एंड बॉयज. ठीक है? तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टस द स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स. वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे कि लीव्स क्यों स्पाइन्स में रिड्यूस हुए. इज इट क्लियर एवरीबडी? चलिए सेवंथ जी सेवंथ ई क्लियर है बेटा? यस. वेरी गुड. ठीक है जी, चलिए यहां तक. अब हमारे पास ये हमने बात की थी ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, बट यू नो देयर आर हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आल्सो, राइट? सो वी विल डू नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स. एंड रिमेंबर दैट नेक्स्ट वीक यू विल हैव टेस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है? तो इसलिए अच्छी तरह से करना है आपको ये चैप्टर. ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है तो 2 मिनट हमारे पास है, वन कैन आस्क एनीथिंग. किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं. कुछ पूछना है बेटा? सो नो आई थिंक नोबडी वॉन्ट्स टू आस्क, सो इट्स ओके. थैंक यू बेटा, थैंक यू टीचर्स. पढ़ के आना, बाय बाय. कल मैंने इसी में से ही पूछना है दोबारा से. ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू बेटा. बाय मैम. बाय बेटा.